बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नादियास किचन व्लॉग्स इन यूएसए। आज हमने बनाया है शीर खुरमा। सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। हमारे यहाँ कल है, पाकिस्तान में परसों है। सो अगर आप लोग को एक क्विक एंड ईजी सी रेसिपी देखनी हो तो एंड तक इस व्लॉग को देखिएगा। क्विक एंड ईजी झटपट रेसिपी है शीर खुरमे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नादियास किचन व्लॉग्स इन यूएसए। सबको ईद उल अज़हा का चांद मुबारक। कल ईद उल अज़हा है, बकरा ईद मुबारक। तो आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा बेमनी स्टाइल में। आप लोग कैसे बनाते हैं आई डोंट नो, पर हम लोग बनाते हैं ऐसे। यहाँ पर लिया है मैंने सिवैयों आधा पैक लिया है। ये वाली लिया मैंने नेशनल की चीज़ें नहीं कराए, पर तब भी हम कर देते हैं। यहाँ पर लिया मैंने आधा पैकेट। यहाँ पर मैंने लिया है एक गिलास भर के पानी, और यहाँ पर है मेरे पास चीनी एक कप। इसमें लहरमीम ये डाल देंगे, इसको बना लेंगे हम चाशनी, और डालेंगे अभी एक आधा कप और इसमें। और यहाँ पे लिए भी मैंने किटी गुस्सा आ गया। यहाँ पे डाल देंगे अभी आधा कप और हम शुगर का, तो कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और यहाँ पे लिए हमने बादामें थोड़ी सी, और थोड़ा सा लिया खोपरा और पिस्ते डालेंगे जब हमें फ्रीज में मिल जाएंगे, तो और नहीं होंगे तो हमें बाय करने पड़ेंगे। राइट, यस ऑब्वियसली। पिस्ते तो हमारे पास नहीं, हमारे पास खोखरा है, खोखरा हमारे पास सिर्फ खोपरा है। एंड देन वी हैव दिस आलमंड्स। हम ये आलमंड यूज भी नहीं करते, हम स्लिदर्ड वाले यूज करते हैं, बट वी रन आउट। सो वो भी होंगे तो उसको भी पीसना पड़ेगा। ये इसको ग्राइंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ पर लिए मैंने पतीली हमारी खानदानी, मेरे पास नई पतीली अभी है, पर बनाने में मुझे इसमें मजा आता है। इसमें डाल देंगे हम आधा कप। आप बोलती तो ऐसे हो जैसे आपको लोग जज करेंगे। हमने फराह खान की पतीलियाँ देखी है। हाँ देखिए, मैंने तो फराह खान की पतीलियाँ, वो फराह खान है, मैंने नादिया लिया। दुनिया में कुछ परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत करने से हो जाता है, नहीं होता कुछ भी परफेक्ट, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे डाल देंगे हम इलायची। What happened? You know what happened? If I tell the audience, they'll get disgusted. ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। यहाँ पे डाल दिया हमने दो इलायची। अब इसमें हम शामिल करेंगे हमारी सिवैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कर लेंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स। इस दफा हम थोड़ा ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बनाते हैं तो बहुत बिगड़ता है। हम इतने मीठे के शौकीन नहीं है गाइस, इसलिए ये सिर्फ ट्रेडिशन है, तो इसलिए हाँ। इसको होने देंगे गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे हमारे हो रहा है बिरयानी का गोश्त। आप लोग गोश्त सोचेंगे गाय कटी नहीं है, गोश्त कहाँ से रह गया? तो हमारे पास गोश्त पड़ा था थोड़ा सा, तो मैंने उसको मसाला भुनने के लिए। हमारे कजिन कुर्बानी कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान में करा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का कबूल मंजूर कर मैं। तो अब इसको होने देंगे हम गोल्डन ब्राउन। सो यहाँ पर हमने हमारे हैंडी ब्लेंडर में डाल दिया है। तो अब हमारे डाल देंगे जो हमने चाशनी बनाई है, और इसको पानी जलने तक हमको फुल नहीं रखना है, मीडियम मीडियम फ्लेम पर रखते हैं हम लोग। तो पानी जल जाएगा, इसके बाद हम भी डालेंगे। बहुत ही ईजी क्विक एंड ईजी रेसिपी है ये। चलो यहाँ पे हबीरा हबीरा बदामों में कर लिया सुंदा। तो यहाँ पर मेरे पास जो बादाम हमने पीसी जिसका पाउडर बन गया वो भी डालेंगे हम, खोपरा भी डालेंगे हमें मिल गई बादाम का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पुण्य से अल्लाह भी मिल जाता है। और डाल देंगे हम पिस्ते। ये हम पहली दफ़ा ऐड कर रहे हैं वैसे, ये पाउडर जो है हमने कभी ऐड नहीं किया है। तो ये बाद में ऐड करेंगे जब हमारा शीर खुरमा पक जाएगा फ्रिज के आधे घंटे बाद। पानी अभी भी है, पानी को हम जल्दी देंगे, फिर इसके बाद हम डालेंगे दूध। अब हमारी सिवैयाँ हो चुकी है, तो पक चुकी है अच्छे से। इसको आप लोग ऐसे भी चम्मच से भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है एक सेकेंड, चार कप दूध है इसमें, तो इसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कर देंगे फुल फुल फुल। पहले फुल चीज़ें तो हम जोश के ला लेंगे, फिर फुल से हम मीडियम, मीडियम से फिर
इसमें और कप डालेंगे, 2 कप और दूध डालेंगे, तो 6 कप टोटल, टोटल 6 कप। 2 कप चीनी, 1 कप पानी, 6 कप दूध। इसको जब ये जोश आ जाएगा ना, फिर हमारे पास जो ये बादाम, पिस्ते, खोपरा ये सब है, फिर हम इसको ये डाल के पकने देंगे, बड़ा ही अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो हमें इसको जोश खिलाना है। लास्ट ईयर तो हमने सेवैयाँ जला दी थी, कोई नहीं जलाई थी आपने, कोई नहीं दूसरी दफा बनाई थी आपने, कोई नहीं ये तो हमने आप लोग के सामने बोली, लेकिन बकायदा सेवैयाँ जली थी और दूसरी दफा पूरी सेवैयाँ बनी थी, आपको याद नहीं है? बकराई थी वो, ईद थी, बकराई थी, लेकिन सेवैयाँ जली थी। ईद थी कि बकराई था नहीं पता, सॉरी ये बस पता है कि सेवैयाँ जली थी, बन गई थी ना तो दोबारा से। हाँ तो जली थी ना, आज मैं क्या, अब इसको जोश आने वाला है। हाँ ये चूल्हा अगर मैं यहाँ से हटी दुर्घटना घटी। हाँ ओके यू गाइस, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जोश आ चुका है, बबल्स आ गए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे बादाम, पिस्ते, खोपरा, फिर हम इसको लो कर जो शादी का हबीबा ने बादाम पिस्ते डाल चुकी है बगैर पूछे मेरे। गाइस लिटरली 2 मिनट्स बिफोर शी टोल्ड मी टू लेट अ बॉयल एंड पुट इट इन, नो शी लिटरली डिड, शी देर में डाल दी, शी लिटरली टोल्ड मी। ओके अब इसको हम पकने देंगे आधे घंटे तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे करके इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो वाइट वाइट था ऊपर जैसे बबल जैसे थे वो खत्म हो चुका है। बंद करो आपका फ़ोन डेड हो रहा है। सो येलो इश आ गया इसमें पक पक के मिल गई हमारे पास बादाम में ऊपर गार्निश के लिए। तो आप लोग अगर और पतला करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, वैसे कंसिस्टेंसी ऐसी ही होती है शीरकुरमे की। अगर सुबह अगर देखें अगर गाढ़ा हो चुका है तो थोड़ा सा आप दूध डाल के गाढ़ा, ठीक गाढ़ा मतलब थक, ठीक अब हम हाँ तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा ही फंबल किया हमारे वर्ड्स। तो अब इसको हम प्रेजेंटेशन के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा शीरखुरमा तैयार है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी क्विक एंड ईजी वाली अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा बनाना हो, हमने बनाया था 6 कप का, अगर आप लोग 8 कप का बनाना हो तो इसके हिसाब से आप लोग उसकी जो डबल क्वांटिटी कर लेना अब आप लोग, तो उसकी डबल कर लिएगा। 8 का बनाना हो तो हर चीज़ को डबल कर लिएगा, सही है। इसके अलावा आप लोगों को जवाब हो, कोई सवाल हो वैसे पूछते नहीं है, अगर पूछना हो कोई जवाब हो तो तो मुझसे पूछ लिएगा। तो सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, कल से सबके घरों में बकरियां बकरे की बोटियां बन रही होंगी, बोटियां ही बोटियां होंगी एक महीने तक पाकिस्तान में। तो हाँ तो गाइस आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।